नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई लेबर लॉस के अनुसार कुछ प्रॉब्लम आप लोगों के साथ अगर हो जाती है। और घटना कौन सी बात करूंगा कि अभी एक न्यूज़ में भी आया था, हमारे सीकर राजस्थान का था कि भाई दुबई में जॉब करते समय कंपनी में वो काम कर रहा था, उस टाइम उसके करंट लग गया। जी हाँ, बिजली का करंट लगने की वजह से उनकी डेथ हो गई। 2 महीने बाद उसकी बॉडी इंडिया में आई, जबकि कंपनी ने पूरा मामला दबाने की कोशिश की। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए कि कंपनी को मुआवजा देना, अगर वो वहाँ पे कुछ घायल हो जाता तो उसकी क्या जिम्मेदारी बनती थी, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। अगर कंपनी में जॉब करने के दौरान आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो उस दौरान कंपनी का क्या फर्ज बनता है, आइए डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। देखिए भाई, आप कोई भी कंट्री के हो, अगर आप यूएई दुबई में जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के दौरान आप ऑन ड्यूटी हैं, ऑन ड्यूटी काम कर रहे हैं, जैसे कोई भी शिफ्ट में हो, एक्स वाई जेड डे में, नाइट में, दोपहर, कभी भी आप काम कर रहे हैं, जॉब करने के दौरान ऑन ड्यूटी आप किसी का भी, जैसे कोई हार्डली जॉब होते हैं, कोई सॉफ्ट होते हैं, कोई मतलब ऐसे रिस्की वाले जॉब होते हैं, रिस्की नहीं होते हैं। मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन का जॉब कर रहे हैं, छत के ऊपर काम करते करते आप गिर जाते हैं, आपका हाथ पैर टूट जाता है, तो कंपनी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको वो हॉस्पिटल लेके जाए, ठीक है, चाहे वो सरकारी में चाहे वो प्राइवेट में, आपका हॉस्पिटल से लेके वहाँ तक का जो भी गाड़ी वगैरह है उसका भी खर्चा कंपनी को वहन करना होता है। दुबई लेबर लॉ 190 आर्टिकल 14 में ये बात बताई गई है। जी हाँ, उसमें पूरी जिम्मेदारी आपको वहाँ से उठाएगी, वो एम्बुलेंस में या वो निजी गाड़ी में आपको हॉस्पिटल में लेके जाएगी, वहाँ पे आपको भर्ती करवाना है, आपका ट्रीटमेंट करवाना है। हो सकता है आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, हो सकता है कृत्रिम अंग भी आपकी बॉडी में डले या कोई भी पार्ट्स आपकी बॉडी में डले, पूरी की पूरी चाहे आपका 10,000 दराम का खर्चा हो, चाहे 10,00,000 दराम का खर्चा हो, पूरी जिम्मेदारी कंपनी की बनती है। जी हाँ, अगर आपके साथ, आपके साथी के साथ, अगर आपके जानकार के साथ ऐसी घटना घट जाती है और फिर भी कंपनी आपको मुआवजा देने से या फिर आपका इलाज करवाने से मना कर सकती है, तो आप इस एक्ट में, आप यूएई लेबर लॉ में, आप उसके खिलाफ एप्लीकेशन देके केस दायर कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ में। जी हाँ, और 200% आपके पक्ष में फैसला आएगा, पूरा जितना भी खर्चा होगा कंपनी को वहन करना पड़ेगा। जी हाँ, हॉस्पिटल में ठीक भी हो गया, खर्चा लग गया, उसके बावजूद भी उसको वापस आपके रूम पे छोड़ना या फिर वो उसको इंडिया भिजवाना पूरी कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप जॉब पे जाते हो अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट के साथ में आपकी इंश्योरेंस बनती है और कंपनी कोई अपनी जेब से पैसा नहीं देती है, आपकी इंश्योरेंस बनती है, वो कंपनी फिर क्लेम करती है इंश्योरेंस में, वो पैसा उनको भी वापस मिल जाता है, तो उनकी जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा है, आपकी जेब से भी नहीं लग रहा, आप गरीब आदमी होते हैं तो उनका बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। किसी भी, अंत में बता दूं, किसी भी प्रकार के मेडिकल से रिलेटेड आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कंपनी में, तो पूरी की पूरी कंपनी की जिम्मेदारी वो बाध्य है आपका इलाज करवाने के लिए, आपको फैसिलिटी देने के लिए, या फिर आपको लगता है कि भाई आप ठीक हो, काम नहीं कर सकते, तो आपको इंडिया भिजवाने के लिए आपका बोनस, आपकी सैलरी, अब सब कुछ देने की कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। तो आपके साथ ऐसी घटना कोई हो जाए तो भाई इसका बात का ध्यान रखें, आप विरोध करें। कंपनी वाले बहुत बड़े हरामी होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं वो बेवकूफ़ बना देते हैं और वर्करों को, बेचारों को पता ही नहीं लगता। हमारे यहाँ पे एक अभी दुर्घटना हुई है, करंट लग गया था, तो करंट कैसे लगा, जो वाटर कूलर होता है उसमें करंट आ गया और वो पानी लेने के लिए गया और वो खत्म हो गया, तो कंपनी ने वाटर कूलर हटवा दिए, वहाँ के जो गार्ड थे सीसीटीवी हटवा दिए वगैरह वगैरह, लेकिन लोगों ने वहाँ पे वीडियो बना लिया था उस घटना का, इस वजह से कंपनी को उसको फिर जो भी चार्जेज हैं, जो भी उसके खिलाफ फाइन लगा, वो कंपनी को पे करना पड़ा। दुबई लेबर लॉ बड़ा स्ट्रिक है, बेशर्त बस इतनी सी है कि हमें उसका जानकारी, हमें उसका नॉलेज होना चाहिए कि उसको किस तरह से हम काम में लें। तो समझ गए होंगे, जो लोग विदेश में दुबई में काम कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।